हेलो एवरीवन, मैं जिन्होंने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई मेन और जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो हमने चैप्टर शुरू कर रखा है प्लस वन का सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके दो लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो सभी बच्चों को उन दोनों लेक्चरों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि आज का जो भी काम करे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उसी बेस के क्वेश्चन आज भी करने वाले हैं, और कुछ नया टॉपिक भी आज हम करेंगे, तो इसलिए उन दोनों लेक्चरों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं। और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ज्यादा करेंगे जो जेई के अंदर आए हुए हैं, तभी मैं आपको कह रहा हूं कि बेसिक आपका बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो हमारा कंप्लीट हो चुका है वो आपको करना ही करना है, क्योंकि जेई के अंदर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं और उन्हीं बेस क्वेश्चन बढ़ते हैं, तभी बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए जो बच्चा जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो किसी प्रकार की आपको नोटंकी नहीं करनी है कि ये तो मेरे को आता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस रह रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। जो भी सीनियर आप जाके पूछ लीजिएगा उनसे कि उनके साथ क्या बना है, क्या करना चाहिए, एक बार जरूर पूछिएगा जिस बच्चे ने गलतियां करी है, ठीक है ना। तो गोली देने से कुछ काम भी नहीं चलेगा। तो देखो भैया, आज हम करेंगे जो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां से पिछली क्लास में हमने काम को छोड़ा था, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़िएगा अच्छे से। हाउ मेनी इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 81 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने इंटीजर है जो 81 और 1000 के बीच में लाई कर रहे हैं और 3 से डिविजिबल हो, इसका मतलब ये हो गया। तो सबसे पहले चीज ये बात आपको ध्यान में रखना है कि लाइंग बिटवीन बोला है, इसका मतलब हो गया कि 81 और 1000 के बीच के नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो बताने हैं। तो सबसे पहला 81 के बाद कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होता है? देखो 81 खुद भी है 3 से डिविजिबल, लेकिन लाइंग बिटवीन बोला है मतलब बीच के नंबर लेने इन दोनों के, तो मेरे पास पहला नंबर हो जाएगा फिर 84, उसके बाद 3 ऐड करता जाऊंगा मैं 87, 90, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब लास्ट नंबर कौन सा होगा? 1000 से जस्ट पहले 299। तो अब इसके अंदर मेरे को जब नंबर ऑफ इंटीजर बोला है तो मैं क्या कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा? नंबर ऑफ टर्म्स का, इसके अंदर कितनी टर्म्स बनी है उतने ही इंटीजर मिलेंगे, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था कि लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन कर दोगे। ये फॉर्मूला जिस बच्चे को आता है तो उसका आंसर आ चुका है। तो देखो भैया, मेरे पास सबसे पहले लास्ट टर्म कौन सी है? 999। फर्स्ट टर्म कौन सी है? 84। अपॉन में डिफरेंस कितने का? 3 का, प्लस 1 कर दो, तो मेरे पास ये बचेगा 915 बचेगा भाई, 3 प्लस 1 ये कटेगा 305 पे, तो मेरे पास हो जाएगा 306। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास है? आंसर हो जाएगा बस। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, जो मैंने ये फॉर्मूला करा ये आपको आना ही चाहिए चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स का बार बार यूज होगा, याद रखना एपी के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास पहला क्वेश्चन, आराम से देख लीजिएगा। जो भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा, किसी प्रकार की तकलीफ आपको हो, ठीक है, किसी प्रकार की तकलीफ आपको हो तो जरूर बताएं। तो देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसी बेस का। आपको क्या बोला है अब की बार, कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर देयर इन विच रिमाइंडर इज 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ऐसे कितने टू डिजिट नंबर होंगे जो एक रिमाइंडर दे जब 4 से डिवाइड करे? कहने का मतलब ऐसे कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर दे, टू डिजिट का होना चाहिए,
तो सबसे पहली चीज आपको बोला है कि टू डिजिट नंबर ही बताने हैं ऐसे। तो सबसे पहला एक बात बताओ, चार से डिविजिबल जो है टू डिजिट कौन सा हो जाएगा? 12 है, चार से डिविजिबल 12 है, लेकिन रिमाइंडर एक छोटेगा तो मैं एक ऐड कर दूंगा उसमें, तो मेरे पास हो जाएगा 13। पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? 13, जो कि चार से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर देगा और टू डिजिट का है। उसके बाद चार चार ऐड करता जाऊंगा, है ना। बस अब आपको लास्ट देखना है। लास्ट एक बात बताओ, 99 टू डिजिट लास्ट नंबर होता है, तो उससे पहले जो नंबर आएगा वो आएगा 97, जो चार से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर देगा। तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा नंबर ऑफ टर्म वाला, कि मेरे पास लास्ट टर्म 97, फर्स्ट टर्म 13, डिफरेंस चार का प्लस 1, तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा? 84 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, ये कट जाएगा 21 पे, तो मेरे पास आ जाएगा 22। तो ऐसे कितने टू डिजिट नंबर है? टोटल है 22। तो आप ये आंसर दे सकते हैं। पता किस समय ये काम आने वाले क्वेश्चन आगे यूज होंगे, याद रखना इस बात पे, ठीक है ना। धीरे धीरे चीजें ऐड होती जाए, इतना तो हो जाएगा आपका। ये तो एक बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रहा है जेई, याद रखना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन करें उनके। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन है? ये मेरे पास एक एपी दे रखी है, ये दूसरी एपी है, आर इन एपीज, ये एपीज के अंदर है। फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ एपीज। आपको कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है दोनों एपी के अंदर। कहने का मतलब ये जो है, हर बार क्वेश्चन के अंदर जेई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जब आप जाके देखोगे तो इस साल भी आए हैं, तो आप देखोगे कि कॉमन नंबर ऑफ टर्म पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, चाहे सम करवा ले चाहे नंबर ऑफ टर्म पूछ ले, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे पास हर बार हो सकता है दो एपी गिवन हो, तीन तक भी आया हुआ है, तरीका सेम लगेगा, चाहे दो का कर लो, चाहे तीन का कर लो, चाहे चार का कर लो, हमारे को कितनी बार दे कोई फर्क है नहीं पड़ता। अब तरीका क्या है? सबसे पहले चीज, जब दो एपी दी हो और उन दोनों एपी की जब हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि कॉमन नंबर ऑफ टर्म कितने हैं दोनों एपी के अंदर, तो कॉमन नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या हो गया? सबसे पहली चीज तो ये देखो, देखो पहली जो मेरे पास जो कॉमन टर्म है वो कौन सी है? देखिए भैया, 21। पहली टर्म कौन सी आ रही है? 21। तो आपको हर बार क्या करना है? फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म। सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म निकाल दो, जो कि क्या बैठी है? 21, 21, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम करना है डी ऑफ कॉमन एपी। कॉमन एपी का आपको डी लेके आना है, मतलब जो नई एपी बन रही है। अब मैं क्या करूंगा उसके लिए, क्या करना है? एलसीएम लेना है हमेशा। पहली एपी का डिफरेंस कितना है, दूसरी एपी का डिफरेंस कितना है, ठीक है। डी वन पहली एपी के डिफरेंस को नाम दे दिया, डी टू दूसरी एपी। तो डी वन डी टू का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास जो कॉमन एपी बनेगी उसका डी आ जाएगा। तो देखो भैया, पहले के अंदर अगर बात करता हूं मैं, तो मेरे पास डी कितने का चल रहा है? इसके अंदर डी वन कितना है? यहां पे मैं लिख देता हूं, डी वन देख लीजिएगा, जो कि मेरे पास डिफरेंस चल रहा है चार का। इसके अंदर मेरे पास कितने का डिफरेंस चल रहा है, जिसको नाम दे दूं मैं डी टू, पांच का। कितने का डिफरेंस चल रहा है? पांच का। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा किसका? 4 और 5 का।
एलसीएम आपको आता ही होगा 4 और 5 का भैया, है ना। एलसीएम अगर आपको आता है तो कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20। अगर ये आ गया तो अब मान लो आपका आंसर भी आ चुका है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास जो नई एपी बनेगी, ठीक है ना, वो लिख लो, कहने का मतलब कॉमन एपी। तो पहली टर्म कॉमन 21 थी, डी अगर मेरे पास 20 का आ गया तो कहने का मतलब 20 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 41 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और ऐसे चलता जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखने कि लास्ट टर्म कैसे निकालोगे, क्योंकि इस एपी की मेरे को क्या लेके आनी है, नंबर ऑफ टर्म बतानी है, और वो तभी आएगी जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस हो तब आएगा। तो लास्ट टर्म कैसे लेके आओगे, फर्स्ट टर्म आ गई है, डी आ चुका है, तो इसके लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूं जो हर बार लागू होगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं देगा। हाँ देखो, अब चलो इसके अंदर तो बाई चांस बच्चे बहुत सारे सोच भी लेते हैं, लेकिन सारी एपी के अंदर कई बार नहीं सोच पाते, तो उसके लिए तरीका क्या अपनाना है। देखो भैया, जब कॉमन टर्म की बात आती है तो जैसे 21 पहली आई दोनों में, तो उसी तरीके से लास्ट जो टर्म मिलेगी, अब ये जो एपी है वो 217 पे रुक रही है, ये एपी कितने पे रुक रही है, 217 पे, ये रुक रही है 266। इन दोनों में से पहले कौन रुका, पहले वाली एपी 217 पे रुक गई। इसका मतलब जो कॉमन टर्म लास्ट मिलेगी वो 217 से तो पहले ही मिलेगी, है ना, 217 के बाद कैसे मिल जाएगी भी, ये तो 266 तक गई लेकिन ये तो नहीं गई ना, तो 217 से पहले ही मिल पाएगी जो लास्ट कॉमन टर्म होगी। तो आप इस काम में एक, आप इस चीज में आपको एक काम करना है, वो क्या कि मैं जो है लास्ट टर्म मान लेता हूं, जो इन दोनों में से लास्ट छोटा कौन सा है 217 और 266 में, 217, ये मैंने माना है, लेट किया है, पता किस लेट किया है, मानना है नहीं। अब उसको एडजस्ट करने के लिए क्या तरीका लगाना है, देखो नंबर ऑफ टर्म आपको पता है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस वन आपको आता है। इस पे सिर्फ एक काम करना है आपको, क्या कि इस पे इंटीजर का साइन लगा दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिस बच्चे ने, अगर कोई बच्चा प्लस वन का है जिसने नहीं पढ़ा, वो सिर्फ ऐसे सोच लेना है कि जो भी अंदर वैल्यू आएगी ना वो पॉइंटों में आई जाए, पॉइंटों में आएगी तो एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है आपको, बस कैसे किस तरीके से बता दो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगा दो, ये अपने आप एडजस्ट कर देता है, हर बार लागू होगा। सबसे बढ़िया रास्ता, आपको दिमाग में किसी प्रकार का डाउट क्रिएट नहीं करेगा ये बता देता हूं, ये जो तरीका है सब में लगेगा, मैंने सारी सब जगह पे देखा है, नहीं तो बच्चा अलग अलग घूमता है, कभी कुछ लगाता है कभी कुछ लगाता है, तो उस चीज पे हमारे को नहीं जाना, ठीक है ना, उस चीज पे हमारे को नहीं जाना होता, हमारे को तो वो तरीका अपनाना है जो हमारे को अच्छा लगे। देखो भैया, अब इस केस में हमारे पास लास्ट टर्म मेरे पास क्या माननी थी मैंने, 217, तो नंबर ऑफ टर्म के लिए कितना हो जाएगा, 217 माइनस में फर्स्ट टर्म कितनी है 21 अपॉन में डिफरेंस देखो 20 का चल ही रहा है जो कि आया हुआ है डी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगाना ना भूले प्लस वन। अब आपके पास देखो 217 में से 21 गया, मेरे पास बचेगा 196 बचेगा, है ना, ये बच जाएगा, अगर ये बच गया तो मेरे पास नीचे 20 है और प्लस का वन, ये अगर मैंने काटा तो ये जाएगा 9.8 पे, कितने पे जा रहा है 9.8, देख लीजिएगा अच्छे से प्लस वन। अब आपको क्या करना है, 9.8 ये पॉइंट में आ गया ना, 0.8 ऊपर आ गया, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बाहर निकालनी है। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि इससे जो वैल्यू आप बाहर निकाल रहे हो वो एग्जैक्ट बाहर आएगी, कितनी आ जाएगी एग्जैक्ट, कितनी आएगी 9 प्लस 1, पॉइंट वाली वैल्यू
उछाड़ दो, यहां से भगा दो, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी, टोटल है 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और यही मेरे से पूछा था कि कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। अब आपके पास एक तरीका, तो हमारे पास ये प्रॉपर हो जाएगा बाई चांस। इस चीज में समझना कि अगर बाई चांस किसी बच्चे को ये तरीका पसंद ना आए तो दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं कि लास्ट टर्म कैसे सोच सकते हो फिर। लेकिन सब क्वेश्चनों में जेई की जब बात करता हूं ना, मैं मन की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको सबसे बढ़िया तरीका ये ही चलेगा हर बार, ठीक है ना। कईयों में लास्ट टर्म निकल नहीं पाते, इसमें तो निकल जाएगी लास्ट टर्म, हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, किसी प्रकार का डाउट हो तो बता देना। अब देखो, अब मेरे पास कॉमन नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स तो मेरे पास आंसर आ ही गया था जो कि 10। चलो ये तो आपका आंसर था। अब देखो भैया, लास्ट टर्म अगर किसी बच्चे को दूसरे तरीके से सोचना है तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे सोचना है, मेथड 2, ठीक है ना। दूसरा मेथड आप अपना सकते हो, क्या होता है दूसरा मेथड, देखो जब मेरे पास 21 पहली आई, फिर 41 आई, 61 आई। अब एक चीज बताओ भैया, 21, 41, 61, 20 ऐड होता जा रहा है। एक तरीके से देखो ना, एक चीज सोचना सिर्फ, 20, 40, 60, इनसे कितना कितना ऊपर चल रहा है, 20 से एक ऊपर, 40 से एक ऊपर, 60 से एक। कहने का मतलब 20 की टेबल लगाऊं तो 201, क्या लास्ट टर्म हो जाएगी 201, क्योंकि 217 पे रुक रहा है, 221 आएगा फिर उसके बाद, 201 के बाद 221 आएगा, 20 ऐड करूंगा तो 217 को क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब लास्ट जो टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, मेरे पास 201 मिलेगी। अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो, तो मेरे पास एक काम करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का सेम फॉर्मूला सिंपल लगेगा फिर, 201 लास्ट, फर्स्ट 21 अपॉन में डी 20 और प्लस 1, जो कि मेरे पास 180 बचेगा, 20 प्लस 1 ये काटेगा 9 पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां से भी कितनी आ गई, 10। बस ये तरीका भी अपना सकते हो, लेकिन ये तरीका तभी लगेगा जब लास्ट टर्म का पता लग जाए, कॉमन टर्म लास्ट कौन सी है तब होगा ये, नहीं तो नहीं लगेगा। तो तभी मैं आपको, जो बच्चे जेई मेन जेई एडवांस के लिए कर रहा हूं, बार बार फोर्स किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से एनालिसिस किया है कि लास्ट में कौन सा अच्छा चलेगा, तो फाइनली ये सबसे ज्यादा चल पाया है, मतलब इसमें किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना, इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। आज मैं इस बेसिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, जो आया हुआ है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अरे नेक्स्ट तो हमारे पास जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे जेई के, तो जेई मेन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा क्या क्या गिवन है आपको। सबसे पहली चीज, द 20वीं टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन इच, तो आपको इस प्रोग्रेशन की एंड से 20वीं टर्म बतानी है। ये देखिएगा बड़े ध्यान से, 20वीं टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 20वीं टर्म बतानी है इस प्रोग्रेशन की, जो कि मेरे पास चार ऑप्शन भी गिवन है, ठीक है ना। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जेई मेन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस पे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा वो, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन होमवर्क में दे दूंगा सेम टाइप के क्वेश्चन जो जेई में आए हुए हैं। सबसे पहली चीज, मैंने आपको nth टर्म
फ्रॉम लास्ट या एंड, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखाया था, जो कि होता है, एक बार याद दिला देता हूं, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यह तरीका मैंने बताया था ना आपको, और वहां पर बोला था कि इस पर क्वेश्चन आएंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हर बार लगेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं आएगी। मेरे को 20वीं टर्म निकालनी है, मेरे को कौन सी निकालनी है, 20वीं टर्म फ्रॉम लास्ट या एंड। तो मैं क्या करूंगा, L माइनस 19D कर दूं क्या सीधा ही, क्या कर दूंगा, L माइनस में 19D सीधा कर दूं, है ना। जब nth टर्म की बात आई तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी था, जब 20वीं टर्म है तो L माइनस 19D सीधा सोचना है। अब मेरे पास लास्ट टर्म जो कि आपके पास है, लास्ट टर्म कितनी है, इसको मैं आपको करवा देता हूं, जो कि लास्ट टर्म मेरे पास है माइनस 129 एंड 1/4। अब बच्चों को अगर ये चीज सोल्व करनी आ गई तो क्वेश्चन हो चुका है, वो सारे बच्चे गलती इसमें करते हैं। सबसे पहली चीज तो इसको लिखा कैसे जाता है, माइनस 129 एंड 1/4 को, या हिंदी में बोलते हैं माइनस 129 सही 1/4 ऐसे बोलते हैं। तो देखो भाई, इसको आप लिख सकते हो माइनस 129 माइनस 1/4। अच्छा जी, हाँ जी, कैसे, मैं पॉजिटिव वाला भी बताऊंगा अगर पॉजिटिव हो तो, क्योंकि आ जाएगा पॉजिटिव वाला, इसी में डिफरेंस निकालेंगे तब आएगा। एक बार नेगेटिव वाला समझ लो, जब नेगेटिव हो ना तो माइनस 129 माइनस 1/4 आप लिख सकते हो इस चीज को, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा 258516। तो माइनस का 516 माइनस 1/4, कहने का मतलब एलसीएम लिया है मैंने, तो मेरे पास एल फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस का 517/4, ये तो मेरे पास क्या आ गया, एल आ गया, कहने का मतलब लास्ट टर्म आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दूसरा मेरे को चाहिए, एल आ गया, डी चाहिए बस, डी देखो कैसे निकालूंगा, भैया डी मैं निकालूंगा इस टर्म में से, ये टर्म माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। तो डी मेरे पास आ जाएगा, डी समझो 19 से ही 1/4 में से माइनस का 20। अब एक बात याद रखना, मैं आपको 19 से 1/4 साइड में सोल्व करके दे देता हूं, ताकि यहां ओच पोच ना हो, वो तो अकेला पड़ा था तो किसी प्रकार की दिक्कत हमारे को नहीं हुई। देखो भाई, 19 से ही 1/4 को मैं लिख सकता हूं 19 प्लस 1/4, माइनस होता तो दोनों का आगे माइनस मैंने लगाया था, माइनस था तो माइनस 129 माइनस 1/4, जब प्लस की बात आती है 19 से 1/4 तो 19 प्लस 1/4 ये हो जाएगा मेरे पास 77/4 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 19 एंड 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 77/4 लिख लेंगे, क्योंकि एलसीएम लिया है मैंने, 19 चौके 76 और 77/4। तो कहने का मतलब मेरे पास इस डी में कितना हो जाएगा, फिर डी में हो जाएगा 77/4 माइनस का 20, एलसीएम ले लिया 77 माइनस का 20/4, तो डी मेरे पास फाइनली कितना बन गया, डी बन जाएगा मेरे पास, सॉरी एलसीएम लिया था, सॉरी तो माइनस का 80 था, बाई मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है अभी। देखो भाई, मेरे पास बचेगा माइनस का 3/4, तो ये मेरे पास क्या आ गया, डी आ गया। तो लास्ट टर्म आई पड़ी थी, डी मेरे पास आया पड़ा था, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा टी 20 फ्रॉम एंड, सीधा लिख दूं, जो कि एल माइनस में 19D था, एल मेरे पास कितना था, देखो माइनस का 517/4 माइनस में 19 इंटू में डी कितना था, माइनस 3/4। अब ये माइनस माइनस तो प्लस कर देगा ना,
देखो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास कितना 4, तो माइनस का 517, अच्छा प्लस का 57 है ना, 59 और 4 मेरे पास ही एलसीएम, तो ये मेरे पास कितना बचेगा 7, 0 5 जाएगा तो 40, और माइनस में बचेगा याद रखना बटा में 4। अब काट दो भैया इसको, काटेंगे माइनस तो आगे पड़ा ही है, 4, 1 और 15, तो मेरे पास T20 फ्रॉम एंड आ चुका है, T20 फ्रॉम एंड, और जो कि किसके बराबर आंसर आया, माइनस का 115, कितना है माइनस का 115, तो ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखिएगा सी, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मैंने एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, वो किस लिए कि ये क्वेश्चन जेई मेन 2024 पे आया है, जब जेई मेन 2024 में आ चुका है और इस बेसिस और भी क्वेश्चन है तो हमारे को अच्छे से सीखना है चीजों को, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे हर बार, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आपको, है ना। चलो भैया ये तो हो गया, देख लीजिएगा अच्छे से नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि हमारे पास टॉपिक आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, जो एनथ टर्म थी वो हमारी एपी कंप्लीट हो चुका है, अब सम पे आते हैं। तो सम आपको पता भी है, टेंथ क्लास में आप पढ़ के भी आए हैं, लेकिन फिर भी जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है या किसी बच्चे को पता नहीं है, जिस बच्चे ने प्लस वन खराब कर लिया है या जो बच्चा प्लस वन में आया है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकता है, ठीक है ना। जिस बच्चे को पता है वो आगे भैया वीडियो को कर दीजिएगा, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आगे देखने शुरू कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूले का आपको पता होना चाहिए। मेरे पास सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी, एपी की एन टर्म्स का सम कैसे निकाला जाता है, सबसे पहली चीज मैंने यहां पे लिख दिया, क्योंकि आप फिर टाइम खराब होते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं कई बार जब मैं इतनी सारी चीजें लिखता हूं, लेकिन आगे मैं करके दिखाऊं पूरा कैसे आपको करना है जिस बच्चे को पता नहीं। सबसे पहले मेरे पास एन टर्म्स T1, T2, TN तक जाऊंगा, तो देखो SN जो कि सम ऑफ एन टर्म्स का जो साइन है वो डिनोट करने का तरीका है SN, A फर्स्ट टर्म, A प्लस D दूसरी टर्म, A प्लस 2D तीसरी टर्म, ऐसे चलता जाएगा, ये मेरे पास TN हो जाएगी, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो मैंने सम कर रखा है एन टर्म्स का। अब आपको इसको सोल्व करने का तरीका, फॉर्मूला कैसे बनता है कि आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो लास्ट टर्म है ना उसको पहले लिखना शुरू कर दो, उसको क्या करोगे पहले लिखना शुरू कर दो, कहने का मतलब SN को मैंने पलट के लिखा है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इससे पहले वाली क्या मिलेगी A प्लस N माइनस 2 इंटू डी, फिर उससे पहले वाली a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, अरे ऐसे चलता जाएगा, जो कि फर्स्ट टर्म क्या थी a, जो कि यहां पे मतलब पहली टर्म को मैंने लास्ट में लिखी, क्योंकि मैंने उल्टा लिखा है, क्या किया मैंने उल्टा लिखे, ये लिख लो आप उल्टा लिखो, ठीक है ना, उल्टा लिखना है आपको। उल्टा लिखने के बाद अब आप हरेक टर्म को एड कर दो आपस में, कैसे देखो, अभी सबसे पहली चीज आपको जो ऐड करना है ना वो किस किस को ऐड करना है, किस तरीके से इस टर्म को इस टर्म के साथ ऐड कर दो, इधर अगर मैं ऐड किया, एक बात बताओ भी ऐड किया तो एस एन प्लस एस एन कितना बन जाएगा 2SN बन गया, पहली टर्म और इसको ऐड करूंगा मैं तो a प्लस में ये पूरा जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा ना, बन जाएगा नहीं बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको क्या करना है, इस सेकंड और इस वाली सेकंड को ऐड करोगे, तो देखो साइड में ऐड करके दिखा देता हूं, एक और a प्लस डी में आप ऐड कर रहे हो दूसरे वाली, कहने का मतलब a प्लस n माइनस 2 इंटू डी यही ऐड कर रहे हो, तो ए और ए 2a प्लस में
देखो डी वाला ये ऐड होगा तो डी कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास एन माइनस टू प्लस वन और डी मैंने कॉमन ले लिया, कहने का मतलब इससे और इस वाले से डी मैंने कॉमन ले लिया, तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बच जाएगा, बच गया ना। तो इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, अगर ये आपका हो गया तो आपके पास ये वाला और ये वाला जब ऐड करोगे तो आपके पास 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब तीसरा और इसकी तीसरी टर्म को ऐड करोगे तो सेम ही आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ऐसे ऐड होता जाएगा, इस वाली को और इस वाली को ऐड करूँगा तो a और a 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पता किस, तो जब मैंने वन बाई वन टर्म को ऐड करा तो मेरे पास हर बार जो टर्म मिल रही है वो क्या मिली, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिला हर एक बार। और अभी ये कितने टाइम है, अब बात आती है ये कितने टाइम है, तो आप लिख लो ये बात कि ये n टाइम्स है टोटल, कितने टाइम्स है ये टोटल n टाइम्स। अगर n टाइम्स है ना तो मैं क्या लिख दूंगा, n इंटू में जो टर्म है जो रिपीट हो रही है, कहने का मतलब ऐसे होता है जब कोई टर्म सेम रिपीट होती हो, अरे ये बोला कि मैंने n टाइम्स रिपीट हुआ है a, ठीक है n टाइम्स a है तो ये बराबर होता है n a के बराबर होता है, जितने टाइम और साथ में वो टर्म जो सेम रिपीट हो रही है, ठीक है तो कितना हो जाएगा ये n a हो जाएगा। तो मेरे पास उसी तरीके से ये वाली जब n टाइम है तो n इंटू में ये पूरा हो जाएगा, एक टर्म मल्टीप्लाई करा दो जो सेम रिपीट हो रही है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2sn बराबर ये आ गया। तो जब मैं 2 को इधर भेजूंगा तो मेरे पास sn का फॉर्मूला बन जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा, और sn का फॉर्मूला आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो यही सेम, sn इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी बार बार यूज होगा भैया, काम की चीज है एपी के अंदर, तो यही दो चीज है nth टर्म और sn, सबसे मोस्ट ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो ज्यादा बार बार यूज होता है, ठीक है ना। अब मेरे पास ये तो चलो हो गया sn का फॉर्मूला बनाने का तरीका, अब यहां से अगर आप एक दिमाग और दौड़ाओ, क्या चीज, आप ऐसा कर सकते हो क्या कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, n बाई टू तो ठीक है, 2a को मैं तोड़ देता हूं, a प्लस a लिख सकता हूं ना, 2a के बराबर है, प्लस n माइनस वन इंटू डी सेम का सेम, इसमें कुछ नहीं किया, तो मैं इस वाले को एक साथ बिठा देता हूं, बिठा सकता हूं, ये मेरे पास क्या लास्ट टर्म के बराबर आ गया, n बाई टू a प्लस में ये किसके बराबर है, एल के बराबर, लास्ट टर्म के बराबर है, कहने का मतलब जो कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है, और nth टर्म को ही क्या बोला जाता है, लास्ट टर्म, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ये बात मैंने बताई थी आप। तो sn का दूसरा तरीका आपके पास ये भी है, जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो, तो सीधा सीधा ये लगा दो, sn कितना हो जाएगा, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो sn आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों फॉर्मूले यूज है, ये जब लगेगा जब आपके पास लास्ट फर्स्ट और n गिवन हो, ये आपके पास लग जाएगा जब डिफरेंस तो चलो पता ही होगा आपको, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म और a पता हो तो चाहिए ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना। तो अपनी अपनी जगह पे दोनों ठीक है, यूज होगा तब बता दूंगा किस तरीके से कौन सा यूज हो रहा है। तो ये मेरे पास आ जाएगा दोनों के दोनों फॉर्मूले, और आपको इन दोनों फॉर्मूलों को याद में रखना, याद रखना है कि हमारे काम आए ही आएगा, ठीक है, इनको सजा के रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलो ये तो हो गया आपका, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आएगा हमारे पास देखिएगा, आगे हमारे पास रिमार्क है, रिमार्क में देख लीजिएगा क्या क्या लिखा है मैंने, नॉलेज की चीज है, नॉलेज के लिए और काम के लिए भी होगी, कैसे, हमारे पास गिवन है, पहला पॉइंट है sn मेरे पास जो कि मैं अभी लिखे हुए n बाई टू ए प्लस में a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो कि किसके बराबर होता है, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो हम कर चुके हैं,
है ना, अभी अभी करके आए, देखो ये बड़ा ही है, ठीक है ना, ये तो हो चुका है, चलो ठीक है। अगली चीज देखो, अगर मेरे पास, अब एक चीज बताओ कि Sn जब मेरे पास ये होता है n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना, तो ये जो n है, ये n है, मैं अंदर भेज देता हूं, कहने का मतलब वन बाई टू बाहर रह जाएगा, टू एन ए बन जाएगा, और n जब अंदर जाएगा इसके साथ भी, तो n स्क्वायर माइनस एन इंटू डी बन जाएगा ना। कैसे, दोबारा देखो, जब मेरे पास n ये बार पड़ा है, इस n को मैं इस ब्रैकेट में भेजूंगा, तो n इसके साथ जाएगा, पहले तो 2na बन जाएगा, देखिएगा बना हुआ है, जब n इसके साथ जाएगा तो मेरे पास n माइनस वन है, तो n स्क्वायर माइनस n बन जाएगा अंदर, d जो बार पड़ा है पड़ा ही रहेगा, बन जाएगा ना इतना, ये तो चलो ठीक है। अगली चीज, इतना बनने के बाद, कहने का मतलब आप अगला स्टेप ये कर सकते हो, चलो मैं पूरा करके देना पड़ेगा मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसे ना आपको दिया है n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है ना, n को अंदर भेजो पहले, तो टू, पहले तो वन बाई टू जो बार पढ़ाई है, टू एन ए प्लस, जब अंदर जाएगा तो एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी बन जाएगा, जब ब्रैकेट में एन अंदर चला गया, दोनों ब्रैकेट में चला गया अंदर, अच्छा उसके बाद अब डी मल्टीप्लाई, तो वन बाई टू टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब एक काम करते हैं, मैं डी वाले को, सॉरी एन स्क्वायर वाले को अलग कर लेता हूँ, तो मेरे पास वन बाई टू बार पड़ा है, एन स्क्वायर डी को तो मैंने अलग कर लिया, प्लस का साइन, इससे एन दोनों से कॉमन ले लिया मैंने, तो टू ए माइनस का डी बच जाएगा, अगर मैंने एन कॉमन ले लिया, कहने का मतलब इससे और इस लास्ट से एन कॉमन ले लिया, तो टू ए माइनस क्या बच गया, डी। अब इसको अंदर भेजा मैंने वन बाई टू को, तो एन स्क्वायर कितना बन जाएगा आपके पास फाइनल, देखो एन स्क्वायर इंटू में डी बाई टू भी अंदर चला गया, प्लस में मेरे पास बन जाएगा एन टू ए माइनस डी डिवाइड बाई टू, ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसके अंदर मैं कहाँ के बैठ गया, जो ये वाला रिजल्ट था वो ये पड़ा है, सेम का सेम। जब मैंने एस एन को सोल्व करा तो यहाँ के रुक गया एस एन मेरे पास, ठीक है, जो कि आपके पास ये सेम का सेम रिजल्ट ये पड़ा यहाँ पे सोल्व करने के बाद, तो मेरे पास एन स्क्वायर डी प्लस ये हो गया, और इसको जब पूरा सोल्व करा तो ये बना था मेरे पास, सॉरी ये वाला पूरा सोल्व हो रखा इधर ही आ गया, तो मेरे पास यहीं पे आ गया, कहने का मतलब ये वाला ये इधर ही आके बैठ गया पूरा, जब पूरा सोल्व हो गया तुम। अब अगर मेरे पास ये आ गया तो आपको बताना है कि सो एस एन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन, एस एन जो होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, किसकी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक की, ठीक है, जो कि वेरिएबल का काम है n कर रहा है, वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, n कर रहा है, ठीक है ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वेरिएबल का काम कौन करता है, ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करता है ना, तो उसी तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी है, n की फॉर्म है। अब आपके पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब यहां से आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपके पास जो गिवन है एन स्क्वायर के साथ डी बाई टू पड़ा है, एन स्क्वायर के साथ क्या पड़ा है, डी बाई टू पड़ा है, तो एक बात बताओ डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब ये हो गया कि एन स्क्वायर के साथ हमेशा कॉमन डिफरेंस का हाफ मिलेगा, क्या मिलेगा, हाफ। तो तीसरा पॉइंट मैंने ये बना रखा है कि डी ऑफ ए पी, अगर आपको एस एन गिवन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो अगर उसका मेरे को डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कई बार यूज होता है बहुत ज्यादा बार, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप क्वेश्चनों में ये इस चीज को देख पाओगे, अच्छे से देख पाओगे, ठीक है ना, इसीलिए अच्छे से देखना है आपको। तो डी ऑफ एपी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के कोफिशियंट का ट्वाइस। अब एन स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, डी बाई टू का ट्वाइस,
क्या बचेगा भैया, डी तो बचेगा, है ना। तो हर बार याद रखना है कि एन स्क्वायर का जो भी कोफिशियंट होगा एस एन के अंदर, उसका अगर मैं ट्वाइस कर देता हूं तो मेरे पास डी आ जाता है। शॉर्टकट रास्ता ये, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, और मैंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्म इसलिए दिखाई है कि इस पर जेई के क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई में, जेई एडवांस के अंदर भी पूछे गए हैं, इसलिए ये बात लिखाई है। मैंने डी के लिए नहीं बताई, ये क्वाड्रेटिक जो बताई है ना मैंने, ये जेई में, जेई एडवांस के लिए बताई है बात। ये डी तो मैं वैसे ही आपको बता देता सीधा सीधा, ठीक है ना, सीधा सीधा बता देता कि एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका क्या कर दोगे, ट्वाइस कर दो तो डी आ जाएगा, बस। कैसे आया पता लगे कि ना लगे कोई बात नहीं है, ठीक है। उसका तरीका मैं दूसरा और यूज कर देता भैया, किस तरीके से वो भी मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, सिंपल शॉर्टकट रास्ता है दूसरा भी। देखो ये तो आ गया मेरे पास रिमार्क, तो इन तीनों रिमार्क को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, कि क्या क्या बोला, काम आने वाली चीज है तभी रिमार्क में लिखाई गई है। अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को दिया है, इफ एस एन इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 5n देन कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बताना, ठीक है भैया। तो क्या बताना है आपको, कॉमन डिफरेंस बताना है, मेरे ख्याल से बता दोगे। ट्रिक आपको क्या बताई थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी सीधा सीधा, ये बताई थी कि एन स्क्वायर का कोफिशियंट जो कि यहां कितना पड़ा है, तीन, एन स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, तीन, तीन का अगर मैं डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, छह, और ये क्या आ गया, टी आ गया, बस। ये बात अभी बता के आया हूं। एस एन मेरे को दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यहां पे एस एन क्या दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अगर एस एन क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर मेरे को दिया है तो मैं एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट है थ्री का, उसका अगर मैंने ट्वाइस कर दिया और थ्री का ट्वाइस सिक्स होता है तो मेरे पास क्या आ जाता है, डी आ जाता है सीधा। तो ये तो शॉर्टकट रास्ता था, दूसरा तरीका भी आप सीख लीजिएगा भैया, काम आने वाली चीज है, कोई शर्म वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। बाई चांस ऐसे ना आए तो दूसरा तरीका आप कैसे अपना सकते हो, ऐसे ना आपको गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। ये मेथड टू लिख लो आप, मेथड टू, ये दूसरा तरीका है, तरीका पहला हो गया, दूसरा ये। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो मेरे पास s1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, s1 आ जाएगा 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो S1 मेरे पास 8 बचेगा फाइनल। N की वैल्यू 2 और पुट कर लो, S2 आ जाएगा, है ना। S2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस, ये स्क्वायर अभी याद रखना, कभी ऊपर वाला कैसे कई बार समझ लेते हैं, 2 स्क्वायर था ऊपर प्लस में 5 इंटू में 2, तो ये मेरे पास 12 10 22, ठीक है। तो S1 किसके बराबर होता है, मेरे साथ T1 के बराबर होता है, मतलब पहली टर्म के बराबर है। S2 कितना होता है, T1 प्लस T2 होता है, है ना। तो T1 जब मेरे पास 8 आ गया तो ये बताओ भैया T2 क्या बचेगा, दोनों का सम 22 है, T1 8 है तो 22 में से 8 गया, T2 बचेगा 14, कितना बचेगा 14। अब मेरे पास D कितना होता है, D होता है T2 माइनस T1 कर दो, और जो कि कितना हो जाएगा 14 माइनस 8, जो कि कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये भी तरीका कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, लेकिन ये तो कहीं आसान रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है, क्या ये तो बहुत आसान रास्ता है, बहुत पहले की बात आ जाती है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, और इस पर भी PYQ मिलेंगे, उसके अंदर थोड़ी एक दो चीजें और घुमाएगा, ठीक है ना। बेसिक के लिए बड़े काम की चीज है ये, जब हम आगे बढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको काम की बात लगेगी बिल्कुल, है ना, मेरे ख्याल से हो जाएगा।
अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप तो पढ़ाते जा रहे हो, कुछ इंजॉय भी होना चाहिए। तो देखो भैया, अब मैथ के अंदर यार अकबर बीरबल की कहानी तो कहां से बताई है ना, अपने पास तो है ही सारे फॉर्मूले। अब यहां पे ऐसी तो कोई कहानी आती नहीं है कि बताई जाए, ठीक है ना, बात आई समझ में। जो पढ़ा रहे हैं वो एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम चलते जा रहे हैं, इसलिए बोर नहीं होना बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी। नाच गाना और वो जगह आप देख सकते हो, वो जगह पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ और सिर्फ नाच गाना होता है, ठीक है ना। अब नाच गाने से जय मेन जय एडवांस तो नहीं होता। अब प्लस वन प्लस टू का जो बच्चा है वो एक बार समझ नहीं पाता इस बात को, दिक्कत सबसे बड़ी ये मारती है। ड्रॉपर का जो बच्चा है ना वो तो समझ जाता है क्योंकि वो जय मेन का एग्जाम दे चुका है, जय एडवांस जिस बच्चे का मान लो जय एडवांस के लिए क्वालिफाई हुआ वो भी फेस कर चुका है बातों को, जो आगे तक नहीं पहुंच पाया जय एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, वो इन चीजों को समझ रहा है कि मेन बात क्या है, कैसे पढ़ना है, नाच गाने से क्या होगा। इंजॉय जरूरी है, ये नहीं है कि इंजॉय जरूरी नहीं है, जरूरी है। अब क्लास में यार मुजरा तो कैसे करें, है ना, मुजरा तो होता तो नहीं है ना। अब मैथ है, मैथ पढ़ा देंगे भैया अच्छे से पढ़ा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, पूरे कराएंगे अच्छे से, लेकिन मुजरा वाला काम अपना नहीं है, ठीक है, वो किसी और का है। आप जाके देख सकते हो मुजरे वालों को भी, बहुत पड़े हैं मुजरे वाले। अब देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कर लेते हैं। हमारे को गिवन है कि सम ऑफ सीरीज, ये पूरी सीरीज दे रखी है, इसका सम बताना है। अब ये क्या जमेला आ गया नया, हम तो पढ़ रहे थे सम ऑफ एन टर्म्स एपी, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर प्लस माइनस चल रहा है, अब ये कैसे करेंगे। तो देखो भैया करेंगे, किस तरीके से करेंगे इस चीज को समझना पहली बात। अब एक चीज बताओ कि वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर आना था, इसी तरीके से माइनस 2002 का स्क्वायर प्लस 2003 का स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करना है, इधर ध्यान दें आप, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर पढ़ा रहने दो प्लस में, थ्री को मैंने आगे लिख दिया थ्री का स्क्वायर, और माइनस टू का स्क्वायर मैं पीछे लिख सकता हूं, कोई फर्क तो नहीं है ना, आगे पीछे टर्म बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मैंने एक साथ तो बिठा सकता हूं कोई दिक्कत। प्लस में फाइव को भी मैंने आगे लिख दिया और माइनस फोर स्क्वायर को पीछे बिठा, एक साथ बिठा सकता हूं ब्रैकेट में, भी ब्रैकेट भी लगाई है, कौन सा पाप कर दिया हमने, ऐसे ही चलता जाएगा। अब 2003 का स्क्वायर जो था उसको मैंने आगे बिठा दिया माइनस 2002 स्क्वायर को पीछे बिठा दिया, तो किसी प्रकार का किसी को कोई दर्द नहीं है ना, चलो ठीक है, नहीं है होगा तो भैया अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना, दर्द तभी मिलेगा जब क्वेश्चन कर लोगे अच्छे से। अब एक बात है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन होगा, तो एक बार के लिए मैं ये यहां बता देता हूं, एक में तो मेरे पास थ्री माइनस टू, थ्री प्लस टू लिखवाना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये तो वन बन गया, ये मेरे पास पांच बचेगा, तो कहने का मतलब ये वाला कितना बन गया फाइनली पांच, जब मैंने सोल्व किया। प्लस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, अब एक बात तो पांच माइनस चार एक ही बचेगा, और पांच प्लस चार नौ बचेगा भैया, और ऐसे ही चलता जाएगा ये तांडव। लास्ट में क्या आएगा, 2003 के स्क्वायर माइनस 2002 का स्क्वायर ओपन करूंगा, तो 2003 माइनस 2002 वन, 2003 प्लस वाला जब ओपन होगा 2002 करूंगा तो 4005 बन जाएगा भैया। और ये किस में आ गया, 154 एपी के अंदर आ गया ये तो। अब सम आपको निकालना आता है ना, तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट वाला लगा के दिखाता हूं, फर्स्ट टर्म पड़ी है लास्ट टर्म पड़ी है, तो नंबर ऑफ टर्म ले आओ सबसे पहले, ये तो लेके आनी पड़ेगी, 4005 माइनस एक
अब उनमें चार का डिफरेंस प्लस वन, ये बचेगा मेरे पास 4004 प्लस ये कटेगा 1001 पर, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म आ गई भैया फाइनली 1002, कितनी आ गई 1002। नंबर ऑफ टर्म आ गई तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम कौन सा, एस एन इजकल टू एन बाई टू फर्स्ट प्लस में लास्ट वाला लगाएंगे, अब ये लग जाएगा इसके अंदर सीधा। तो मेरे पास एस एन की वैल्यू कितनी है 1002 टर्म है, 1002 डिवाइड बाई दो फर्स्ट टर्म वन प्लस में लास्ट टर्म 4005। मेरे पास अगर मैं फाइनली इसको सोल्व करूंगा तो ये कटेगा 501 पे, कितने पे कट जाएगा 501, ये कटेगा 501 इंटू में 4006। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे यार आगे, है ना, क्या करके दूं भैया, चलो फटाफट करके दे देता हूँ, इतने क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, ये आ जाएगा 4006 30 0 20, ये मेरे पास 6 0 0 7 0 0 2, ये लो भैया आ गया, ठीक है, ये मेरे पास बचेगा 2007 006। एक बार कंफर्म जरूर कर लेना भैया, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि आप बोर ना हो, मैं करने बैठूंगा तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, तो आप कर लीजिएगा बैठ के आराम से, एक बार देख भी लेना इस चीज़ को जो मैंने किया है, ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, ये आंसर हो जाएगा, मिला लेना आप अच्छे से, ठीक है ना, मिस्टेक हुई तो माफ़ कर देना भैया, पहली बात है मिस्टेक है मिलेगी नहीं, ये हो जाएगा, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से आया होगा समझ में अच्छे से क्वेश्चन, कोई मुश्किल तो नहीं था। अरे अगला तो क्वेश्चन जेई मेन 2024 का है, तो जेई मेन 2024 का जब क्वेश्चन है तो करने का अधिकार तो है, करने का अधिकार तो है, अगर मैं ये क्वेश्चन करूं वहां तो किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है ना, हम करेंगे साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, देखो भैया क्या क्या दिया है, हमारे को दिया है लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम्स, पहले एंट्रम का जो डिनोट करने का सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम को कैसे डिनोट करते हैं, एस एन से ये पता ही है, एस 20 दे रखा है, एस 10 दे रखा है, और मेरे को लेके आना है एस 15 माइनस एस 5 की वैल्यू लेके आनी है, चार ऑप्शन आपको गिवन है, देख लीजिएगा आप चारों ऑप्शन, ठीक है, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, किसका, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, तो मैंने बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे जो जो होते जाएंगे, ताकि मेरे पे आप ब्लेम ना करो सर आपने तो करवाया ही नहीं, तो कैसे होंगे, करवा रहा हूं, होमवर्क भी आपको मिलता जा रहा है, तो होमवर्क भी आपको करना है साथ के साथ, ठीक है ना, तो अब देखो भैया अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आई होपफुली बहुत सारे बच्चों ने तो कर भी दिया होगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट किया है उस कॉन्सेप्ट को जिस बच्चे ने समझा है, तो हमारे को गिवन है कि पहली 20 टर्म का सम दिया है, क्या दिया हमारे को एस 20, ये गिवन है, और एस 20 का फॉर्मूला क्या होता है ये चीज समझिएगा आप, मैं लगाऊंगा 20 बटा में 2 कहने का मतलब एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 करते तो 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 लिख दूं ना सीधा ही 19d, जैसे हमने टर्म में सोचा सीधा सीधा एक कम सोचो 19d, और किसके बराबर दिया ये 790, है ना, अब एक काम करो यार काट भी देते हैं ना इसको, ये 10 पे कटेगा और ये 10 इस जीरो को उठा देगा, तो कहने का मतलब 2a प्लस 19d बराबर आ गया 79 के, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा s मेरे को क्या दे रखा है, दूसरा 10, क्या फॉर्मूला 10 बाई टू 2a, तो 90 सोचेंगे ना आपकी बार s10 में, है ना, एक कम सोचना है d के साथ, तो मेरे पास ये किसके बराबर है 140, ये 5 पे काटेगा, 5 इसको काटेगा 29 पे, तो मेरे पास 2a प्लस 90 क्योंकि 29, मेरे पास यहां से दो टर्म आ गई भैया, दो सॉरी इक्वेशन आ गई, पहली ये
दूसरी ये, इन दोनों को मैं सोल्व कर लूंगा। सोल्व कैसे, देखो 2a प्लस में 19d आर इजिकल टू 79, 2a प्लस में 9d इजिकल टू 29। मैं कट्टा पिट्टी करूंगा फटाफट। तो ये 2a सेम है, कट गया, सेम बराबर नहीं करते क्या, कट जाएगा। ये मेरे पास 10d बचेगा, जब 19d में से नोट जाएगा तो ये बचेगा मेरे पास 50, तो ये 50 को भी काटेगा 5 पे, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। अरे बाप रे बाप, d तो आ गया 5, d आ गया। तो मैं क्या करूँगा, ये d को किसी एक में पुट कर देता हूँ, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पुट d इक्वल 5 इन सेकंड। दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, कैलकुलेशन छोटी पड़ जाए। तो मेरे पास देखो दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस में 9d, तो 9 इंटू 5 लिख दो सीधा सीधा, और ये 29 के बराबर है। तो 2a, ये 45 इधर जाएगा, तो 29 माइनस 45 जो कि मेरे पास बचेगा माइनस का 16, और ये 2 काटेगा इसको, माइनस 8 बचेगा। तो कहने का मतलब a कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। अब जब मेरे पास d आ गया, a आ गया, मेरे को s 15 माइनस s 5 निकालना है, तो मेरे को नहीं लगता कि मुश्किल कोई काम है, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। जो निकालना है वो क्या निकालना है, s 15, s 15 माइनस s 5, ये निकालना है ना भाई, s 15 माइनस s 5, ठीक है भाई। तो मैं क्या करूँगा, s 15 का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, 15/2 2a, a कितना आया हुआ है, सीधी वैल्यू पुट करते हैं भैया, a कितना है, माइनस का 8। फॉर्मूला तो पता ही है सभी बच्चों को, क्यों टाइम खराब करें। a कितना है, माइनस का 8 प्लस में। अब एक बात बताओ, मेरे पास 15 है तो यहाँ कितना सोचूंगा मैं, 14, d कितना है, d जो कि 5 आया हुआ है, d कितना है 5, है ना, माइनस s 5 5/2 2a, a की वैल्यू माइनस 8, कितनी है माइनस का 8 प्लस में 4, d कितना है 5, d कितना है 5, ये हो जाएगा। अगर ये हो गया तो एक बात बताओ, जब ये 2 अंदर जाएगा तो ये काटेगा इसको, पूरा काट दिया, इसको उड़ा देगा, कितने पे उड़ा देगा भैया, 7 पे उड़ा देगा। ये काटेगा इसको उठा देगा, ये काटेगा 2 पे, कट जाएगा ना ऐसे अंदर जाके। तो मेरे पास 15 इंटू में देखो भाई, माइनस का 8 प्लस का कितना, 7 5 35 में से 8 गया, 27 बचेगा माइनस का, है ना, ये बचेगा। अच्छा मेरे पास माइनस 8 प्लस 10 2 बचेगा, सॉरी माइनस 8 और ये 10 बन जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 और 5 10 हो जाएगा ये। तो चलो ये भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 15 105 10 और कितना हो जाएगा 40, माइनस का 10 कर दो, तो 405 में से जब मेरे पास 10 गया तो मेरे पास बचेगा 395 बचेगा, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, एस 15 माइनस का एस 5 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, एस 15 माइनस एस 5 की 395। तो देख लो भैया कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो मेरे पास हो जाएगा ए ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है, ए ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक है ना। तो सिर्फ कैलकुलेशन की कहानी थी और कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन की कहानी। इस तरीके से जब दो इक्वेशन दी हो तो हम पहले भी सोल्व करके आ चुके थे, TN में भी सोल्व किया हमने, तो यहाँ पे कौन सी मुश्किल बात होगी। तो ये आया था जेई मेन 2024, और ये बोल रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है, इसको आपको करना ही करना है भैया, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, जितना हो सके कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे ना, कहने का मतलब दिमाग को जितना दौड़ाओगे उतना दौड़ेगा, ठीक है। मैं यहां समझा रहा हूं एक एक चीज इसीलिए कि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और आप एक मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, ताकि आप जेई मेन जेई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई कर सके। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है ना।
तो आज जो मैंने काम किया वो काम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। फिर भी अगर किसी प्रकार की किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप जरूर बताएं, क्योंकि अब आगे अगर काम मैं कराऊंगा तो इसके अंदर एक दो चीजें बच गई थी जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से जहां से हमने छोड़ा है, ठीक है ना। तो यहां तक पूरा काम आपको कंप्लीट करना है। किसी प्रकार की आपको मन में ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से काम करो, 100% अपनी तरफ से दे दो। ये जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ आपको अपनी ऐप पे मिल जाएगा, मैंने बोला भी है। और जो पीवाईक्यू है, जिसकी बुक आपने ले ली, जो मैंने बोला है आपको बताया वो ठीक है, अगर जिसने नहीं ली तो आप उसकी भी पीडीएफ, पीवाईक्यू की भी पीडीएफ, सेम डिटो जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ जो आपकी बुक में है वो अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बच्चा ये बोले सर नहीं आप तो पब्लिकेशन की बुक बिकवा दी, नहीं भैया ऐसा नहीं चाहिए। तो आप दूसरा काम यहाँ से कर लो कि अपनी एप्लीकेशन से सेम क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो, विद सॉल्यूशन है, सारे क्वेश्चन है उसमें, सारे लिखे हुए हैं किस साल में कौन सा है, जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसी सीरीज के अंदर उसमें है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना काम करेंगे, जो भी आपको चीज़ें कराई है बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। फिर भी किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट करके बताएं, मन में किसी प्रकार का दर्द फील है नहीं करना है, ठीक है, किसी प्रकार का दर्द फील नहीं करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतने तक पढ़ते रहे और मज़े करते रहे, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी।